सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। 10 तरह की ऐसी बातें हैं जो आप आधार कार्ड के बिना नहीं कर सकते, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप स्कूल कॉलेज में जो स्कॉलरशिप की फैसिलिटी हमें मिलती थी तो स्कॉलरशिप हमें नहीं मिल पाएगी स्कूल कॉलेजों में और हमें परीक्षा में बैठने में भी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो अपना आधार कार्ड जल्दी बनवा लीजिए अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न को नहीं भर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। इनकम टैक्स भरने के लिए आपके पास आधार होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात, पीएफ अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हैं तो पीएफ के साथ आपको आधार कार्ड लिंक करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर आप पीएफ अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करते तो पीएफ से जुड़े कार्य करने में आपको दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए पीएफ अकाउंट के साथ आधार लिंक करें। चौथा, आधार कार्ड के बिना आप किसी भी तरह की जो सरकारी सब्सिडी का जो फ़ायदा मिलता है, जैसे कि लोन के अंदर सब्सिडी मिलती है, गैस की सब्सिडी, इस तरह की सब्सिडी, जो भी सरकारी सब्सिडी का फ़ायदा होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। आधार कार्ड के बिना अब आप पासपोर्ट भी नहीं बनवा पाएंगे। विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है और पासपोर्ट एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके बिना आप पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे, तो अपना आधार कार्ड जल्द से जल्द बनवा लीजिए। अब बात करते हैं छठी बात की, तो वो है पैन कार्ड के साथ आपको आधार कार्ड को जोड़ना भी ज़रूरी हो गया है। ये आपको 31 दिसंबर तक करना है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड जो है वो रद्द हो जाएगा, जो आपको इनकम टैक्स वगैरह भरने में या बैंकिंग के कार्यों को करने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सातवां, अगर बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप किसी भी तरह का बैंक में अपने लेन देन या आदान प्रदान नहीं कर सकते, तो हम आपको ये बोलेंगे कि जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट के साथ अपने आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए अगर आप ठीक से काम करना चाहते हैं बैंक के साथ तो। आठवां, अगर मोबाइल नंबर, अगर आपको नया मोबाइल नंबर लेना है तो आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। पहले वोटर आईडी से आपको नंबर मिल जाता था लेकिन अब आपको आधार कार्ड के बिना नंबर नहीं मिलेगा, और अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है तो आपको उसे भी आधार के साथ लिंक करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका नंबर भी बंद हो जाएगा। नौवीं बात करते हैं, राशन कार्ड से आपको आधार कार्ड लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक नहीं करते तो जिस भी तरह की सब्सिडी की जो फैसिलिटी मिलती थी राशन के साथ, वो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दसवीं बात, रेल टिकट के लिए आपको आधार कार्ड की जानकारी देना भी बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर आप जिस भी तरह की रेल की अगर बुकिंग करते हैं तो आधार कार्ड की जानकारी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों ये थी एक वीडियो बहुत ही ज़रूरी कि आपको आधार कार्ड किस लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहाँ लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर दोस्तों जरूर टच कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और आपके पास हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।